हाय पीपल, वेलकम बैक टू बेटर ड्राइव्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने नवंबर में एक वीडियो डाला था, ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ सिट्रॉन C3, उसमें मैंने बताया था कि अप्रैल मंथ में हम लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करने वाले हैं। आए मेरे गांव जाएंगे या नेपाल जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। तो फाइनली हम 1200 किलोमीटर्स की जर्नी करके मेरे गाँव आए हैं हमारी सिट्रॉन C3 में। तो ये इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, कैसा रहा ये लॉन्ग ड्राइव का जर्नी। जो VOSC चैनल पे अभी नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगा। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरी हो पूछिए, कोई अपने कमेंट्स लिखने हो तो भी पूछिए, कोई क्वेरी मेल में करना चाहते हो मेल भी करिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दिया हुआ है। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिट्रॉन C3 लाइव मॉडल, मतलब पूरा बेस मॉडल हमने सेप्टेम्बर 2022 में ख़रीदा था, इसको परचेज किया था। एंड तभी से मेरे मन में था कि मतलब इसको मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगी। अप्रैल महीना बहुत अच्छा था हमारे लिए, मतलब समर्स का टाइम था, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से फिर रोड ट्रिप का मज़ा नहीं आता, प्लस ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह काफ़ी जगह हो जाती है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ हमने स्टार्ट कहाँ से किया एंड कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा सिट्रॉन C3 के। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, स्किप मत करिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको C3 के बारे में, खास करके बेस मॉडल के बारे में। तो हमने शुरुआत किया था तालचर से, तालचर में हम रहते हैं उड़ीसा में, एंड हमको आना था ललितपुर, एक छोटा सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो हमने जब स्टार्ट किया तो हम तालचर से गए वाया संबलपुर, एंड संबलपुर से गए हम रायपुर, जहाँ पे हमने 450 किलोमीटर्स की नियर अबाउट जर्नी तय की, एंड वहाँ पे रायपुर में हमने स्टे किया। रोड कंडीशंस बहुत ही स्मूथ थे तालचर से लेके रायपुर तक, हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा। गाड़ी एकदम से 190 की स्पीड में थी, 80 का एवरेज स्पीड अगर मैं पकड़ूँ, 80-90-100 की स्पीड में थी। एंड गाड़ी कब, चूँकि वो हाईवे था इसलिए हमको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई, काफ़ी स्मूथ गाड़ी थी, काफ़ी अच्छी पिकअप भी थी, एंड बारिश हुआ बीच में, बारिश के साथ ओले पड़े, हेल स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, ओले भी पड़े थे, और दिन के टाइम पे ही बहुत अंधेरा सा हो गया था। उसी में ही हमने काफ़ी 80 की स्पीड, अगर एवरेज स्पीड माने, हमने 80 की स्पीड मेंटेन की हुई थी। इट वॉज़ अ वेरी एन्जॉयबल ड्राइव इन रेन ऑल्सो, ओले भी पड़ रहे थे, ओले पड़ रहे थे, हमने लगा कि कहीं कांच पे ना लग जाए, कहीं इसकी बॉडी के ऊपर कहीं डेंट ना पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के ओले थे। तो लेकिन फिर भी हम निकलते आए, हम रुके नहीं उसमें। सेकंड और चीज़ बताऊंगी मैं, रोड पे जो ग्रिप बना हुआ था वाइल ड्राइविंग, इतने हाई स्पीड में भी जो ग्रिप बना हुआ था काफ़ी अच्छा था, हमको कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि हमको स्पीड कम कर लेनी चाहिए थी। रोड कंडीशंस अच्छे थे, वो भी एक पॉइंट है कंसिडर करने के लिए कि हमको मतलब ग्रिप अच्छी मिली। पिकअप मैं कहूँगी पिकअप भी अच्छा है आपका, सेकेंड गियर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैगिंग आती है, उसको मैं बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस है वो मेरा। सेकेंड गियर में कहीं ना कहीं लैगिंग आती है जब आपकी स्पीड कम रहती है, लेकिन अगर मोमेंटम आपका रहेगा गाड़ी का तो सेकेंड गियर में भी आपका पिकअप काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड फोर्थ फिफ्थ गियर की तो मेरे को बात ही नहीं करनी है, मतलब इट वॉज सो स्मूथ, गियर शिफ्ट इतने स्मूथ हैं इस कार के, उसको मतलब जो चलाएगा वही फील कर सकता है। और अगर इसकी गियर्स की मैं बात करूं तो इतने स्मूथ गियर्स हैं C3 के, मतलब जो चलाएगा वही फील कर सकता है। जस्ट मेरे को ऐसे एक उंगली से गियर को पुश करना है या पुल करना है ना, अपने आप गियर उस नंबर पर लग जाते हैं। तो हमने रायपुर में एक रात स्टे किया। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ C3 के परफॉर्मेंस की या रिव्यू के बारे में, जहाँ पे रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छे थे, पूरा NH रोड था, NH 55 था शायद, है ना, संबलपुर से रायपुर। तो हम उड़ीसा से पहुँच गए थे छत्तीसगढ़ स्टेट में, रायपुर से हम निकल पड़े जबलपुर के लिए, वहाँ से था NH 30। तो अब ये रोड थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस मतलब काफ़ी नियर अबाउट, रायपुर से जबलपुर की जर्नी 380 किलोमीटर्स की होती है, लेकिन उसमें से नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स की जर्नी अच्छी थी, स्मूथ थी, पूरा हाईवे स्मूथ था। अब क्या हुआ, जैसे हम कान्हा के पास पहुंचने लगे, कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क जो है उसके पास में जैसे ही पहुंचने लगे, वहाँ पे जो रोड की कंडीशंस हैं, मतलब रोड स्मूथ है, कब आपका गड्ढा, इतना बड़े बड़े गड्ढे आ जाएँ,
या कब ऐसा मतलब स्पीड में गाड़ी जा रही है एंड कभी ऐसे आता है तो जंप हो जाए, या कभी ऐसे स्लोप है हमको दिखाई ना पड़े, तो ऐसे ऐसे रोड कंडीशंस में हमने इसकी ब्रेकिंग भी टेस्ट की है कि जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी प्रॉम्प्ट है। मतलब जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तुरंत विद इन अ सेकेंड्स गाड़ी हमारी रुक जाती है, रिस्पॉन्ड करती है। कई बार गड्ढे दिखाई भी नहीं देते थे उसमें से गाड़ी मूव हो जाती, तब थोड़ी सी आवाज़ आती थी गाड़ी में नीचे कहीं लगने की, तो ऐसा लगता था दिल पे गाड़ी दिल पे चोट लगी है। तो वो एक चीज़ थोड़ा ध्यान देनी है, क्योंकि जो भी बोलिए ये सब इसके सस्पेंशन बहुत स्मूथ हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ये ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी नहीं है, तो हमको उसमें ध्यान देना है। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने मतलब काफ़ी कोई भी गाड़ी हो, मतलब छोटी गाड़ी की बात करूँगी, उस गड्ढों पे ऐसे निकाल के ले जाते हैं, तो वो एक एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। ड्राइविंग के लेसन्स में भी मतलब वो चीज़ नहीं बताया जाता है कि आप मतलब गड्ढों में ऐसे मतलब पूरा हाई स्पीड पे गाड़ी के ले जाएं। गड्ढों में जब भी गाड़ी ले जाएं, अगर आपने गड्ढे नोटिस कर लिए हों तो तुरंत आप उसको वहाँ पे अपनी स्पीड को कंट्रोल करके आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली आप कार को अपने मूव करें, क्योंकि भाई कार की मेंटेनेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इतने लॉन्ग रूट पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई हमको प्रॉब्लम ना हो उसका भी हमको ध्यान रखना है। और ऐसा था कि जो कान्हा नेशनल पार्क के जो पूरी तरफ जो फॉरेस्ट रेंज है वो काफ़ी डीप है, तो वहाँ पे आपको नेटवर्क भी नहीं लगता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कोई किसी को आप कॉल भी कर सकेंगे। एंड काफ़ी डीप है तो जंगली जानवर आने के भी डर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि हमको उस रूट का आइडिया नहीं है, उस एरिया का आइडिया नहीं है, तो बेटर है कि हम अपनी ड्राइव को सेफ रखें, एक लिमिटेड स्पीड में चलाएं एंड रोड की कंडीशंस के हिसाब से ड्राइव करें। तो ये बहुत ध्यान देना दिया हमने इस चीज़ को। बाकी हमने अपने साथ अपनी कार में टायर इन्फ्लेटर रखा हुआ था एंड पंचर किट भी रखा हुआ था, दो उसको जर्नी के टाइम पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्निंग के जर्नी के टाइम पर भी वो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसे स्मूथली आए थे वैसे स्मूथली हम वापस घर को भी जाएंगे। देन हम बात करते हैं जबलपुर में, हमने फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया एंड डे टाइम की सब जर्नी थी हमारी। हमने फिर जबलपुर से हमने गए हम सागर की तरफ। सागर काफ़ी पॉपुलर जगह है MP में अगर आप देखेंगे तो जो अब वहाँ पे जो हमको NH मिला, शायद NH 44 था या 43 था, मेरे को याद नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं, तो या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रूट लिख दूंगी। तो जो मैं बता रही हूँ आपको, जबलपुर से जो सागर का जो रूट था बहुत सुंदर रूट है, मतलब वो देखने लायक रूट है। 6-way lane है, 6-lane हाईवे है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ओके, तो जबलपुर से सागर का जो रूट है बहुत ही सुंदर रूट है, मतलब अगर आप कहीं उसके आसपास रहते हैं ना, आपको जस्ट लॉन्ग ड्राइव करने का मन करे, कार में ही बैठ के अपना एक चाय का सिप मारते हैं, कोल्ड कॉफ़ी का सिप मारते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन करता है, इस एरिया के आसपास आप रहते हैं तो जबलपुर से सागर का रूट आप ज़रूर जाइए, बहुत सुंदर रूट है एंड काफ़ी वेल डिफाइंड हाईवे है, 6-lane हाईवे है आपके, मतलब अच्छे मतलब एक डिसेंट डिस्टेंस पे आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिलेंगे आपको, तो आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। एंड रोड कंडीशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी रोड कंडीशन है, मतलब ऐसी रोड कंडीशन है कि मतलब ऐसा लगता है कि आप पूरा कांच के ऊपर, मतलब इतना प्लेन रोड है उसके ऊपर आप कार चला रहे हैं, मतलब आपको कुछ फील नहीं होगा। यहाँ पे भी हमने एवरेज स्पीड 90 की मेंटेन की, मतलब यहाँ पे बहुत ही सनी डे था, काफ़ी अच्छी ट्रिप थी, हमने 3 घंटे में ट्रिप कंप्लीट किया एंड 10 बजे हम जबलपुर से करीब निकले थे एंड गए सागर हम पहुँचे करीब 1 बजे। काफ़ी स्मूथ जर्नी थी, दो हम रुक रुक के आए, कहीं हमने वॉशरूम यूज़ किया, कहीं चाय पी, कहीं कुछ खाया, कहीं कुछ मतलब स्पीड कम कर ली, फोटोग्राफी की। हम पूरी ट्रिप पे ना इतना एंजॉय किए कि हम उसकी रिकॉर्डिंग करना हमारे माइंड में नहीं था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि हम वो रोड ट्रिप्स की क्लिपिंग्स आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी जो बहुत ही रेयर छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड की है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में, वो आपको दिख रही होंगी कहीं कहीं पे। एंड उसके बाद फिर सागर से हम आए टुवर्ड्स मेरे गांव ललितपुर में, वो करीब 100-130 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड वो रोड कंडीशंस भी काफ़ी स्मूथ थी, दोपहर का समय था, काफ़ी इजीली हम अपने घर पहुंच गए। एंड इस बात में सबसे अच्छा मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूँगी, सिट्रॉन C3 का ये सब जो मैंने बताया इसके माइलेज के ऊपर,
माइलेज जो मेंटेन था वो 19 से 20 के बीच में मेंटेन था। हमारी रोड बारिश हुआ, रोड खराब कंडीशन भी थी। पूरे 1200 किलोमीटर्स की जर्नी में नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स जो हमारे रोड कंडीशंस खराब मिली होंगी, बाकी 1100 किलोमीटर्स काफ़ी अच्छी जर्नी रही। तो रोड खराब था, इसी रोड कंडीशंस में हमने 19 से 20 का एवरेज निकाला है इस पेट्रोल कार के लिए। 1.2 लीटर इंजन है इसका, C3 का। एंड हमको इस रोड ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया। अब रिटर्निंग की रोड ट्रिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हम करीब 10-12 दिन के बाद आपके साथ मिलेंगे इसी रिटर्न ट्रिप के फीडबैक को लेके। ओके, तो शूट करते करते बारिश भी स्टार्ट हो गई है। गर्मी के मौसम में बारिश का मज़ा मिल रहा है वो अलग बात है, तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो रही है। तो एंड में मैं बस इतना कंक्लूड करना चाहूँगी, वर्डिक्ट यही देना चाहूँगी कि जो C3 लॉन्ग ड्राइव के लिए लोग सोच रहे हैं कि लोग इन गो फॉर इट, अगर आपके पास उतना ही बजट है एंड उस बजट में आपको लग्जरी कार एक मिल रही है, मतलब आपको 6-7 लाख का अगर बजट है और हायर मॉडल पे जाएंगे वह बजट इंक्रीज हो जाएगा, सिट्रॉन के लिए आप सोचिए मत। सिट्रॉन C3 लीजिए, सी एयरक्रॉस आया है एयरक्रॉस लीजिए, C5 लीजिए, गो फॉर दैट कार, क्योंकि आपको कम दाम में ऐसी लग्जरी मिल रही है जो आपको 20 लाख में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बगल में मेरे पापा की हैरियर है, जो लग्जरी हैरियर दे रही है आई थिंक उसके बराबर ही मेरे को C3 में मेरे बजट में मेरे को लग्जरी मिल रही है। वो माइलेज मिल रहा है, फीचर्स तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है एंड हमको उस फीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट है, अगर कोई सोच रहा है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे सिट्रॉन C3 को ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, डेफिनेटली ले जाइए, अपने पूरे प्रिपरेशन के साथ जाइए, एंजॉय करिए अपने ट्रिप को एंड अपनी कार को एंजॉय करिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।